आदित्य चोपड़ा ज्यादातर उन्हीं एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ काम करते हैं जिन्हें वो खुद लॉन्च करते हैं। हालांकि कैटरीना कैफ इस मामले में अपवाद रही हैं। आदि ने उन्हें अपने बैनर की 5 फिल्में दी, मेरे ब्रदर की दुल्हन, न्यूयॉर्क, जब तक है जान, एक था टाइगर और धूम 3। दोनों इस दौरान दोस्त बने और एक दूसरे का सम्मान करते रहे, लेकिन ये पारस्परिक सम्मान का भाव तब चला गया जब कैटरीना ने उनके द्वारा दी एक फिल्म ठुकरा दी। इस विषय में एक सूत्र ने बताया, आदि आसानी से माफ करने वाले इंसान नहीं है। उन्हें बहुत बुरा लगा जब कैटरीना ने फिल्म गुंडे में काम करने से मना कर दिया जो उन्होंने ऑफर की थी। स्टूडियो मालिक अपने लोगों से बिना शर्त वफादारी चाहते हैं, इसीलिए यशराज से लॉन्च होने वाले एक्टर्स आगे भी बैनर द्वारा ऑफर फिल्में करते रहते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा अपने कथित बॉयफ्रेंड विराट कोहली के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट की गयी। अनुष्का यहाँ व्हाइट टॉप, ब्लैक पैंट्स, कैप और गॉगल्स में क्लिक की गयी, तो विराट मरून टी शर्ट, ग्रे पैंट्स, व्हाइट स्निकर्स और गॉगल्स में दिखाई दिए। मीडिया के कैमरों से छिपने की बजाय दोनों एक साथ काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। इन दिनों रॉक ऑन 2 की शूटिंग में बिजी फरहान अख्तर भी मुंबई एयरपोर्ट पर कूल लुक में देखे गए। सोनू निगम, सानिया मिर्जा और जैकी भगनानी भी एयरपोर्ट के बाहर नजर आए। मॉडलिंग की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत करने वाली ईशा ने फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और मिस फोटोजेनिक का टाइटल जीता। साथ ही वो किंगफिशर की कैलेंडर गर्ल भी रह चुकी हैं। ईशा ने फिल्म जन्नत 2 से बॉलीवुड में जोरदार एंट्री की थी। इसके बाद फिल्म राज 3D में उनके अभिनय की काफी तारीफें हुई। उन्होंने चक्रव्यूह और हमशक्ल्स फिल्मों में भी अभिनय किया है। ईशा अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती है। वो कई मैगजीन्स के लिए फोटोशूट भी करवा चुकी है। ईशा गुप्ता ने बहुत बार टॉपलेस होकर पोजेस भी दिए हैं। सलमान खान की कथित गर्लफ्रेंड लूलिया वंतूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो रोमानियन भाषा में सलमान की फिल्म बॉडीगार्ड का गाना तेरी मेरी प्रेम कहानी गुनगुनाती नजर आ रही हैं। लूलिया वंतूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैमिली के साथ फेस टाइम लूलिया सॉन्ग करते हुए वीडियो शेयर किया है। बता दें, रोमानिया की रहने वाली मॉडल और एंकर लूलिया वंतूर पिछले कई महीनों से सलमान खान के साथ कथित रिलेशनशिप के चलते सुर्खियां बटोर रही हैं। कई मौकों पर सलमान और लूलिया साथ भी देखे जाते हैं। शनिवार रात पनवेल में ऑर्गेनाइज्ड सलमान की 50वीं बर्थडे पार्टी में भी लूलिया मौजूद थी। बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस सनी लियोन की अडल्ट कॉमेडी फिल्म मस्तीजादे के ट्रेलर के बाद पहला गाना रिलीज हुआ है। गाने के बोल हैं रोम रोम रोमांटिक। इस गाने में हमेशा की तरह सनी ने बोल्ड अदाएं दिखाई हैं। वो भी डबल मीनिंग की, वो इस फिल्म में डबल रोल निभा रही हैं। गाने में उनके साथ तुषार कपूर और वीरदास भी नजर आ रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर में सनी लियोन बेहद ही बोल्ड और सेक्सी अंदाज में दिखाई दे रही हैं। ट्रेलर के एक सीन में तो वो बगैर कपड़ों के भी नजर आ रही हैं। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।